मेरे 225 करोड़ देशवासियों है कुछ चीज तुलसी ना है धतूरे हैं ये करता रहता देखना फोटो कहाँ क्लिक करवा रहा है आदाब नमस्कार सत श्री अकाल मेरा नाम है अमन और आप देख रहे हैं अमन हॉपर व्लॉग। तो कैसे हो आप सब? आई होप करता हूँ कि आप सारे घर पे अच्छे होंगे, मस्त होंगे, दिवाली अच्छी गुजरी होगी आपकी। मेरे साथ है शुभम और बल्लू। आप पिछली वीडियो में देख चुके होंगे क्या हमारी करतूत थी, कैसा लगा आप लोगों को? काफ़ी इन्जॉय किया हम लोगों ने पिछली वीडियो में। बाकी काफ़ी वीडियो डिले हो गई हमारी और होप करता हूँ कि अब रेगुलर वीडियो आए। तो भाई आज हम जा रहे हैं एक ऐसी जगह पे, एक मूर्ति है यहाँ पे फरीदाबाद में, बहुत बड़ी मूर्ति है और उस मूर्ति पे बहुत सारी रील्स बनी है इंस्टाग्राम पे, आए दिन रील्स बनती रहती हैं। बहुत मजा आएगा, एक बार आप विजिट जरूर करें। बाकी हमारे साथ बने रहें, आगे मिलते हैं। सो हेलो दोस्तों, फाइनली हम निकल गए हैं घर से और जिस मूर्ति या मंदिर कह लो आप, वहाँ पे हम जहाँ जा रहे हैं वो त्रिवेणी मंदिर नाम है उस जगह का, उस मूर्ति का। और मैं बता दूँ घर से निकलने के बाद ही थोड़े दूर आके फिर हमने ये क्लिप शूट की है और जो आज हमारे साथ जा रहे हैं मैं उनसे मिलवाता हूँ आपको, ठीक है? तो पहले तो ये आपने पिछले क्लिप में देखा, ये कुछ खाता ही रहता भाई साहब कुछ ना कुछ। हाँ भाई, भूख लगी रहती है इसे एनी टाइम 24 घंटे और मैं बता नहीं सकता। दूसरा हमारे साथ है निखिल। हेलो दोस्तों, आज हम ऐसी जगह पे जा रहे हैं जो आप सभी लोगों ने अपने फ़ोनों में देखा होगा। तो जो वो मूर्ति है, इस पूरे इंडिया की सबसे बड़ी मूर्ति है, वो है बजरंग बली की। हम बल्लू से भाइयों केले ले लिए हैं 2 दर्जन और हमें डर इस बात का है कि ये वहाँ जाने से पहले ही खत्म ना हो जाए क्योंकि हमारे साथ है सौरभ जा रहे हो। जब से खाते जा रहा आधे दर्जन तो वो खा ही गया। क्या हाल है? तो भाई हम जा रहे हैं बजरंग बली का मंदिर, आज देव उठा लिया है। आप देख सकते हो दोस्तों ये क्या हरकतें करता रहता, देखना फोटो कहाँ क्लिक करवा रहा है और देख रहे हो। आदित्य रॉय कपूर का फैन है, आदित्य रॉय कपूर का है। बहुत बड़ा फैन है, देखो लेटे लेटे ही चाहिए इसे सब कुछ दौर। दोस्तों हम अपनी मंजिल पे आ गए हैं, ठीक है? बाकी मैं व्यू दिखाता हूँ आपको, बहुत देर चलने के बाद आ गए हम। देखो एक बार आप, ये है कुछ चीज़। बाकी ऊपर चलते हैं, ऊपर जा के फिर दिखाते हैं आपको। बोलो जय बजरंग बली। जय बजरंग, जय श्री राम, जय श्री राम। जीने चढ़ के थक गए हैं बहुत ज़्यादा। तो शुभम क्या कहना चाहेंगे आप इस विशाल मूर्ति के बारे में? भाई इस हनुमान जी की जो मूर्ति है इसका नाम है त्रिवेणी हनुमान जी। तो देख सकते हो आप त्रिवेणी जी हैं। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, फील्स नाउ बहुत बेटर। तो मतलब परिकम्मा लगा लेते हैं, आप साथ साथ चलते रहो। आपको पता है कभी आप घर पे बैठ के रील्स वगैरह देखते हैं तो आपने इस मूर्ति को कई बार वीडियो में देखा होगा और उसमें भर भर के लाइक्स भी देखे होंगे। हाँ भाई, तो हम लोग आपको यहीं पे ले आए हैं कि ये जगह है कहाँ पे। आखिर में सबके अच्छा। मन में ये चीज़ आती है कि ये वाली जो मूर्ति है ये है कहाँ पर। अच्छा, तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि ये मूर्ति हमारे फरीदाबाद में स्थित है। अच्छा, क्या कहना चाहोगे भाई आप? सबसे पहले ये आगे परिक्रमा लगा रहा था और ये 2-3 भाई यार घूम रहे थे तो उनसे ये चेप हो गया, ठीक है? चेप होने के बाद वो इंजीनियर और ये भी इंजीनियर, समझ सकते हो ना? ये देखो क्या हरकतें हैं भाई। ये बैक साइड है, ये इतनी सारी तुलसियों के पौधे हैं, इतनी सारी तुलसी बताओ अभी पहली बार देखी हमने। ये भाई तुलसी, तुलसी ना है धतूरे हैं। कोई बात नहीं, धतूरे धतूरे हैं, तुलसी बना रहे हो।
दोस्तों देख सकते हो कैसे बंदरों की तरह बैठा है। हम यहाँ से गुड़गांव जाते थे तब ये मूर्ति बन रही थी। हम उस टाइम हमें पता नहीं था कि ये है क्या। पता नहीं था ये है क्या। हम यही बात करते हुए जाते थे कि भाई ये बन क्या रहा है। लेकिन अब उस टाइम पहले ही पता चला कि हाँ भाई मूर्ति बनाई है हनुमान जी की। बहुत विशाल बनाई है। आप देख सकते हो कि ये मूर्ति बनाने में कितना टाइम लगा होगा और कितनी कलाकारी है इस मूर्ति में। और इस पर हर साल पेंट करवाती है हमारी सरकार। मोदी जी की आवाज में एक बार क्या बोलना चाहोगे आप? मेरे 125 करोड़ देशवासियों। ओके। मैं अपने भारत के लिए आगे? एक योगदान देना चाहूँगा कि जितने भी लोग हैं वो हमारी NRC को सपोर्ट करें। धन्यवाद। बहुत बढ़िया बढ़िया। गुड गुड गुड। गाइज ये यहाँ पे हनुमान चालीसा लिखी हुई है हनुमान जी के ठीक इधर। भाई मैं पैर छू जा रहा हूँ। जा भाई पैर छू जाके जा। मैं भी सुनाऊंगा। शाबाश शाबाश आ जा। दोस्तों काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे और परिक्रमा भी हमने मार ली है और क्या बताऊँ, फील सो गुड। जैसा कि मैं हर वीडियो में कहता हूँ, है ना, एक एनर्जी बनी रहती है हमारे ना ऐसे ऐसे जगह पे आने में और ऐसे मतलब हम दोस्त यार मिल के एक टाइम होता है। पिछली वीडियो काफ़ी डिले हो गई थी और काफ़ी 10-12 दिन का गैप है। सो फाइनली आज प्लान बनाया और यहाँ आ गया त्रिवेणी मंदिर। एक बार ऊपर का आप व्यू दिखाओ, कितना अच्छा लग रहा है आप बताएं, आप ही बताना कमेंट करके, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक ज़रूर करना क्योंकि मेहनत बहुत लगती है। टीका लगा दो भाई। थैंक यू। कैसा लग रहा तुम्हारा भाई, बताना एक बार कमेंट करके। भाई हीरो से कम थोड़ी है यार। और हम ऊपर चढ़ गए हैं गाइस। ये हनुमान जी का मैं पैर दिखा दूं तो कितना बड़ा पैर। हमारी जो जनता है ठीक है वो बहुत पढ़े लिखी है बिल्कुल। और जैसा कि नॉलेज है सबको है, हमें नहीं है, सबको है, ठीक है। तो आप मैं बता देना चाहता हूँ आप सभी को, काफ़ी स्थित है यहाँ पे और ये जो मूर्ति है काफ़ी साल पहले बनी थी, इसकी खुदाई भी बहुत पहले हुई थी। गांव वाले ऐसा कहते हैं कि एक पत्थर जो पहले था यहाँ पे वो ऑटोमेटिकली कुछ हुआ था ऐसा, उसके बाद जब गांव वालों ने इसे देखा तो जो सरकार है हमारे यहाँ की उन्होंने इस दावे पे ये मूर्ति बनानी स्टार्ट करी और काफ़ी साल लगे हैं, काफ़ी टाइम लगा है बनाने में। और जो भी है आपके सामने है, काफ़ी विशाल मूर्ति है यहाँ की ना, आप एक बार विज़िट ज़रूर करना, आना एक बार विज़िट करके देखना आप, फील्स जो अंदर की एक फीलिंग होगी वो काफ़ी अच्छी होगी आपकी, आना ज़रूर। थैंक यू सो मच। सो दोस्तों मैं बता दूं ये जो मूर्ति है अराउंड 50 या 60 फुट होगी, इतनी काफ़ी मतलब 70, हाँ 70. इतनी मान के चलो अराउंड। और हम जो खड़े हैं ये गमछा कहेंगे ना, गमछा मतलब उनकी जो भी जो वस्त्र वो ग्रहण करते थे वो है। और मैं आगे लेके चलता हूँ ये जो है ना हनुमान जी की। दोस्तों ये देखो हम बैक साइड में खड़े हैं, ये हनुमान जी की पूछ है ये और काफ़ी लॉन्ग है, देख सकते हो आप पीछे का ये व्यू है। वैसे तो यहाँ पे खड़े हैं लड़के वगैरह, फ़ोटो वगैरह क्लिक हो रही है। ये हनुमान जी की पूछ ये देख सकते हो आप, बैक साइड है ये। और मैं इनसे कुछ सवाल जवाब करना चाहूँगा। क्या भाई क्या ढूंढ रहे हो इसमें तुम? यार ये जो हनुमान जी का गमछा है ना इसके नीचे देख जगह है थोड़ी सी, दिखाइए। अच्छा यहाँ सो सकते हैं, देख रहा था इस जगह में है क्या, आप देख सकते हो। बारिश वारिश हो जाए तो इसके नीचे हम वैसे काफी मात्र ये एक टुकड़ा है उनके कपड़े का और ये कितनी बड़ी मूर्ति आप देख सकते हो, बहुत बड़ी है ये देख सकते हो आप, बैक साइड है। और यहाँ आके भाई कैसा लग रहा है तुम्हें? बहुत अच्छा लग रहा है। अभी लगभग 12 बज रहे हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत धूप हो रही है उधर, तो बैक साइड आ गए हैं क्योंकि यहाँ बहुत ठंडा लग रहा है हमें। ओके। पहला बैठने में अच्छा लग रहा है। पहला तो भाई हमारी आंखें फट रही है इतनी बड़ी मूर्ति देख रहे हैं। दूर से लगता है यार छोटी है लेकिन जब पास आके नीचे से ऐसे देखते हैं ना भाई यार कितनी बड़ी मूर्ति है, सोचो लगता है भाई बनाया है कुछ किसी ने भी, जिसने बनाया है। तो दोस्तों जो सौरभ है वो हर बार की तरह हर ब्लॉग में वो खो जाता है कहीं ना कहीं। मैं दिखा दूँ कहाँ बैठा, देखो ये बैठा, देखो मगन है भाई, मगन है, कुछ मगन है ये, अपना कुछ आइडिया नहीं है इसे। दे दो और छोड़ दो कहीं भी, ये पूरा एक साल ऐसे ही काट देगा। मैं तेरे को बता रहा हूँ दोस्तों, देखो क्या बातें चल रही हैं। कैसे भाई
अबे जब ही तो ये मूर्ति बनाई है यार, इतनी बड़ी हो जाती है तो ये रात को खड़ी होने के बाद और बड़ी हो जाती है, मतलब पैर तो जब ही तो चमत्कारी मूर्ति है इतनी। दोस्तों देखो हम सामने चढ़ के आओ, गिर मत जाइए भाई आराम से, ये देख सकते हैं, गिर मत जाइए। दोस्तों देखो कहाँ खड़ा है, चढ़ जा भाई, कैसे चढ़ा नहीं जा रहा क्या, ये आ जा जेब में रख ले। तो दोस्तों फाइनली हम वहाँ से आ गए हैं और पहले कुछ खा लेते हैं, आपको पता ही हम क्या खाते हैं, वेज बिरयानी, शुद्ध शाकाहारी, ऑलवेज फेवरेट वेज बिरयानी, ठीक है। वेज बिरयानी यहाँ की फेमस है, कैसा लग रहा है, मस्त लग रहा है, बिकट लग रहा, खा के उसके बाद गाइस बात करते हैं आपसे, ठीक है। वैसे हम वहाँ से निकल गए हैं, घर पहुँच के फिर करते हैं आप, टाटा बाय बाय। हेलो दोस्तों, सो फाइनली हम घर आ चुके हैं और काफ़ी टाइम लगा, काफ़ी इन्जॉय किया हम लोगों ने वहाँ पे, और मैं बता नहीं सकता काफ़ी बहुत अच्छा लगा आज ना। सो अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली है तो इसको लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ऐसी अपडेट के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। जब तक मिलते हैं अगली वीडियो में।